विवाहिता की पत्थर से कुचलकर हत्या, पति पर मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस घटना स्थल पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी। धनबाद जिले के तीसरा थाना क्षेत्र 14 नंबर डंप में महिला का शव पाया गया। महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला को पत्थर से कुचलकर हत्या किया गया है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस घटना स्थल पहुंच सूचना पाकर पहुंची। मृतक की पहचान सुनीता शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुट गई है। मृतका के परिजनों ने बताया कि उसकी बहन और बहनोई में लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में चल रहा था। उसकी बहन आसनसोल में विवाद के कारण रह रही थी। धनसार थाना उसे बुलाया गया था। शक्तिपुंज से वह कल यहाँ अपनी बच्ची के साथ आई थी। उसके बाद से बहन का पता नहीं चल रहा था। धनसार पुलिस के साथ अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। आज डंप में बहन का शव मिला है। उसकी बहन की हत्या उसके पति उमेश शर्मा और उसके घर वालों ने की है। पुलिस ने मांग की है कि सभी पर कानूनी कार्रवाई करें। वहीं लापता विवाहिता को ढूंढ रही धनसार थाना के एएसआई ने कहा कि महिला कल से गायब थी। आज डंप में महिला का शव मिलने की जानकारी मिली। मामले की जांच की जा रही है। बहुत दिन से ही प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है। इस प्रॉब्लम के द्वारा कई बार थाना उना में बैठक उठक भी हुआ है, लेकिन अभी लोग पहले बरोरा में ही इसका शादी हम लोग किए थे। उस समय ये लोग बरोरा में रहता था घर वाला, लेकिन अभी उसके फादर डेट कर गए हैं। है डेट करने के बाद वो लोग अभी यहाँ से चला गया है। यहाँ से वो लोग बक्सर में रहता है अभी, अपना घर है, भाई हुई है इसका। कल ही आसनसोल से आई है। आसनसोल किस काम से गई थी? आसनसोल ये वहीं रहती थी। इससे जो मैंने झमेला चल रहा है इसको छोड़ के वहाँ रखा हुआ था। केस उस चल रहा था अभी, तो इसको थाना में इससे बुलाया गया था। इसको बातचीत हुआ भी है यही करने का। तो ये लोग आई थी तो कल इसको फिर बुलाया था। कौ दिन से इसको बुला रहा था सुने हैं, लेकिन ये आ नहीं रही थी। कल ये आई है, कल वहाँ शक्तिपुंज पकड़ के यहाँ आई है। शक्तिपुंज पकड़ के आई है, 7 बजे उतरी है। इसको फ़ोन भी की है, ये आया है स्टेशन पे, इसको लेने भी गया है, ठीक है। और उसके बाद से इन लोगों का ही नहीं है। हम लोगों के पास रात में 10 बजे फ़ोन गया है, तो हम लोग आए हैं। अभी क्या हम लोग यहाँ 3 बजे भोर में आ गए हैं उस थाना में, धनसार थाना में हम लोग आए हैं। गुमशुदगी का भी मामला दर्ज कर? नहीं, अभी कुछ नहीं किए हैं हम लोग। तो कल रात में हम लोग को, ये तो कल शाम को निकली है और सुबह ही मैंने रात में ही हम लोग को 10 बजे खबर मिला है। क्या नाम था? सुनीता शर्मा। एक बच्ची भी संग में थी। बच्ची मेरे पास आ गई। पुलिस से मांग करेंगे कि हम मांग कुछ नहीं है, मांग मेरा यही है कि उसको हाजिर किया जाए और उसके फुल फैमिली को सजा होना चाहिए। आशंका किस पर जाहिर कर रहे हैं? 100% वो खबर है मेरे पास कि वही मारा है। उसके पति उमेश शर्मा ही मारा है। वो धनबाद में ही। उमेश शर्मा कौन है? उमेश शर्मा मेरा बहनोई लगेगा, वही मारा है। उसी में हम लोग रात से खोजबीन कर रहे थे, तभी पता चला हम लोग को आमटाड़ से। 11 बजे के आसपास ये फोन से, हाँ, रात में सूचना दी। रात्रि गश्ती में हम थे तो बस मेरा बस सूचना मिला। उसके बाद हम खोज रहे हैं, इनकी बच्ची, छोटी बच्ची थी, उसी को लेके। छोटी बच्ची मिल गया? हाँ, सही है। लाश कहाँ पर बरामद हुई है? तू तो आप देख ही रहे हैं ना, हम मेरा आने से पहले ही बरामद हो चुका है। आप लोग को पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी? पुलिस अब तीसरा थाना है, जांच करेगा, जांच का विषय है। उसके बाद में आगे का कार्रवाई करेगी।